आप इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट क्रिएशन करते हैं, रील्स अपलोड करते हैं एंड ऐसे में अगर किसी पर्सन ने आपके अकाउंट के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी एंड आपका जो अकाउंट रिस्क में है या फिर आपकी वीडियो रिमूव हो चुकी है, अब हम उसको कैसे अपील कर सकते हैं, अपील फॉर्म हमें फिल कर रहे हैं एंड अपने अकाउंट से उस स्ट्राइक को रिमूव कर रहे हैं, इस वीडियो में सबसे ईजी प्रोसेस बताने वाला हूँ 2024 का। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन, आप सभी स्वागत है एक नई वीडियो में। वीडियो एंड तक देखते रहना, शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूंगा, जिसको नहीं पता कि हमें कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे देनी है किसी को, यानी कोई भी हमारा कंटेंट यूज कर रहा है, वीडियो यूज कर रहा है, तो इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप मेरी इस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम लोग बात करते हैं अगर हमारे अकाउंट पे कोई भी स्ट्राइक है, क्लेम है, तो हम उसको कैसे जो है यहां पे अपील कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर मेटा टीम से। तो मैं आ चुका हूं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो कर सकते हैं। इधर आप देखेंगे hypersocial.ig करके मेरा एक पेज है, इस पे जैसे आप आएंगे तो आपको बायो में जो है एक लिंक मिलेगा अपील फॉर्म करके, जैसे आप इसके ऊपर यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, टैप करेंगे तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको फेसबुक पे ओपन कर सकते हैं, जैसे आप आएंगे इंस्टाग्राम कॉपीराइट अपील फॉर्म ऑफिशियली यही है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आई अंडरस्टैंड एंड आई विश टू कंटिन्यू, जैसे आप इसके ऊपर टिक करेंगे तो यहाँ से आपको इस तरीके से फॉर्म एक्सपैंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना जो है ईमेल आईडी लिख देनी है, फिर उसके बाद आपको जो अपना लीगल नेम लिख देना, जो भी होगा नाम होगा सरनेम के साथ, जैसे मेरा रोहन ठाकुर है तो यहाँ पे मैं ये सब चीजें कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं जीमेल ही इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये वाली नहीं है, तो यहाँ पे मैं जो यहाँ पे इसको रोहन ठाकुर कर देता हूँ। अब आपको अपना इंस्टाग्राम यूजर नेम या फिर आपको प्रोफाइल लिंक कॉपी करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे। जैसे मैं यहाँ पे यूजर नेम कर देता हूँ, जैसे लिंक ही डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल। अब आपको जो यहाँ पे इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको रिपोर्ट नंबर कैसे दिखेगी, जो भी आपने रिपोर्ट करी होगी, जिसको आपको रिपोर्ट हुआ होगा, तो वहाँ पे आप एक नंबर है 15-16 लेटर्स का, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है, जो लिखा हुआ है 17। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी स्ट्राइक नहीं है, तो मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे जो है फोटो वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है, हमारे रील्स जो यहाँ पे फोटो वीडियो में आएगी, तो आपको फोटो एंड वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। एंड उसके बाद आपको डिस्क्राइब करना है कि आपकी वीडियो क्यों रिमूव हुई है, आपने रिएक्ट करा है, क्या हुआ एक्चुअली, आपने यूज करी थी तो माय रील इज रिमूव, ये सब करके अपने अकॉर्डिंगली आप लिख देना। एंड आप उसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो, अब यहाँ पे मैं आपको सब नहीं बताऊंगा, तो आप अपने अकॉर्डिंगली लिख लेना, बहुत सारे जो है डिफर करती है सारी चीजें। अब इधर आप फोटो वीडियो भी अटैच कर सकते हैं, कोई भी पीडीएफ फाइल है, स्क्रीनशॉट है, वो अटैच कर देना। आई कंफर्म के ऊपर क्लिक करें, आपको जो आपने डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे लिख देने हैं, अपना नाम लिख देना, उसके बाद यहाँ पे आप सेंड करने हैं। जैसे आप करेंगे तो आपको इस तरीके से आ जाएगा, जो भी ईमेल होगी उस पर कोड आएगा 6-7 डिजिट का, उसको जो यहाँ पे आपको सबमिट कर देना। जैसे आप ये करेंगे तो आपको इस तरीके से कैप्चा आएगा, आप इसको फिल कर देना एंड ये जो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा एंड इंस्टाग्राम यानी मेटा टीम जो फेसबुक को हैंडल करती है, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक, तो उनके पास ये चले जाएगा। एंड कुछ ही आवर्स में, जो देखो अब यार जल्दी होने लग गया प्रोसेस, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्रिएटर्स बन चुके हैं, तो अगर आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो आप इंस्टाग्राम टीम से बात कर देना, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत जल्दी आपको जो है रिप्लाई आ जाएगा एंड आप जो यहाँ पे उस पर प्रोसीड कर सकते हैं, आपका अकाउंट सेव कर सकते हैं, आपने जो यहाँ पे सारी चीजें फेयर यूज में करी है। अब बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी की भी वीडियो उठा के जो है यूज कर लेते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप किसी की वीडियो यूज कर रिएक्शन के लिए, मिम के लिए, या फिर आप बोल सकते हो अपनी जो है कमेंट्री के लिए, तो आप जो उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली किसी की वीडियो उठा के अपने अकाउंट पे डाल रहे हो विदाउट एनी कंसर्न क्रेडिट्स, तो आपका अकाउंट जो है जरूर से रिस्क में आएगा। ये रिसेंटली इंस्टाग्राम ने ऑफिशियली बताया था, तो इस पर मैंने भी वीडियो बना रखी, आप चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो अपील कर सकते हैं अपनी कॉपीराइट स्ट्राइक के लिए। आई होप आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगी। अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हो। आप लोग बताना कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में। इतना सब वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलता हूं। बाय गाइस, जय हिंद।